नमस्कार दर्शक भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं किसान परिवार में। और आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के सांझी गांव में, जो कि विलेज ऑफ कॉर्न कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मक्का की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो हम आपको आज पूरे गांव का दृश्य दिखाएंगे किस तरह से यहां पर मक्का की खेती होती है। फिलहाल इनके भुट्टे तोड़ लिए इन्होंने मक्का के, तो वो घरों में लगा रखे हैं, उन्हें भी आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर दृश्य है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और धान की फसल सबसे शुरुआत करते हैं, धान की फसल से कि वो धान किस तरह से उगाते हैं, किस तरह से धान करते हैं यहाँ पर भी। तो आपको धान के लिए हम लेकर चलते हैं आज, और आप सभी को धान दिखाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना किसान भाइयों, क्योंकि आपने आज तक जो है नीचे की देखी है धान, हम आपको ऊपर की धान की खेती दिखाने लाए हैं, तो आपको वो दिखाएंगे ज़रूर। तो आप मेरे सर देख सकते हैं कि पूरी धान का, ये छोटे छोटे यहाँ पर क्योंकि खेत होते हैं, पूरा धान का खेत लगा हुआ है एक, मतलब अच्छी तरीके से बिना उसकी करते हैं ये, बिना कीटनाशक दवाइयों के धान होती है यहाँ पर। तो आगे भी जो खेत हैं इसमें सारे यहाँ धान के हैं, क्योंकि इन्होंने मक्का की यहाँ से तोड़ ली थी और धान लगा दिया है इन्होंने। ये धान की पूरा मतलब फसल पक चुकी है। और जो धान की सिंचाई करते हैं वो इनकी ये नालियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से नालियों में ऊपर पहाड़ों से पानी आता है। और ये धान में जो पानी की ज़रूरत पड़ती है जब जब इससे सिंचाई करी जाती है, वरना बारिश से ही ज़्यादातर काम यहाँ पर चल जाता है। और इसके बाद हम और ऊपर चल रहे हैं, आपको ऊपर से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे पूरे खेत जो हैं इनके, मतलब ना लगे हुए हैं धान के, और पानी ऊपर से आ रहा है बढ़िया बकायदा ऊपर से। तो दर्शक भाइयों देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया इनकी धान की फसल खड़ी है, और ये पक चुकी है। क्योंकि वैरायटी की तो इसकी पहचान है नहीं, हमने यहाँ से लोगों से पूछा कि उन्हें वैरायटी कौन सी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो से पहले से ही करते आ रहे हैं और अपने चावल रख लेते हैं, फिर दोबारा बो लेते हैं उसी को। इसके ऊपर जो खेत है पूरा मक्की का है, और इस पर से इन्होंने मक्का तोड़ ली है, मक्का टूटी हुई है इन पर से ऊपर से। उसके बाद ये इसमें अन्य फसल लगा देते हैं, जो दाल वगैरह हैं वो लगा देते हैं इसमें, पूरे में बेल हो जाती हैं उसकी। मक्का भी देख सकते हैं आप इन्होंने किस तरह से सुखाई हुई है पेड़ पर, ताकि ये बाद में भी अपने जानवरों को इन्हें खिला सकें। यहाँ गाय का पालन किया जाता है ज़्यादातर। और आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, और ये सीढ़ीनुमा खेत बने हुए हैं जो कि नीचे की तरफ ढाल से उतरते हैं धीरे धीरे। और ज़्यादातर में अब सब यहाँ पर धान की फसल लगी हुई है, और मक्का, क्योंकि मक्का का ये गांव कहा जाता है एक तरीके से, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मक्का इसी गांव के अंदर पैदा की जाती है। और यहां पर विदेश से भी लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, मक्का देखने के लिए आते हैं। गांव का दृश्य इतना सुंदर है, बहुत सुंदर, आपको हम दिखाएंगे। घरों में उन्होंने जो है साइडों में मक्का टांग रखी है, उसे भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, और कि आप देख सकते हैं ये दाल भी उगा रहे हैं इसमें, जो पेड़ इन्होंने कर रखी है। दाल का हमें जानकारी नहीं है कौन सी है, इन्होंने नाम बताया था कुछ अजीब ही है। पूरा खेत इसी का ही लगा हुआ है ये, एक साथ ऊपर ऐसे यहाँ पानी आ रहा है ऊपर से, उससे सिंचाई कर जाते हैं। तो गांव के अंदर जो है चलते हैं, अब हम आप सभी को गांव का दृश्य दिखाएंगे। भाइयों हम गांव में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि इन्होंने जो राजमा लगा रखा है गाँव में, आप देख सकते हैं ये सारा पूरा राजमा लगा हुआ है, और इन पर फली भी आ रही हैं, बड़ी सुंदर फली आ रही हैं पूरे खेत में इनके में राजमा है। इसमें मक्का के नीचे इन्होंने राजमा बो दिया, मक्का काट ली ऊपर से, और राजमा तैयार हो गया, आप सभी देख सकते हैं। और ये नाली है इनकी बनी हुई, से ये नहर बोलते हैं यहाँ पर, और इसमें जो पानी जाता है पूरी अच्छी तरीके से, जो कि धान की सिंचाई के लिए ज़रूरी है। और आप मेरे इधर भी देख सकते हैं, इसे इन्होंने छोटे छोटे पॉली हाउस भी बना रखे हैं, इसमें अंदर ये सब्जी फल टमाटर वगैरह की जो खेती करते हैं अंदर जाके, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसी के अंदर ये खेती करते हैं टमाटर वगैरह की। तो गाँव में चल रहे हैं, गाँव का बहुत सुंदर दृश्य है, आप सभी को दिखाएँगे कि गांव में, मतलब कह सकते हैं कि हम ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से 500-600 साल पुराने गांव में मकान हैं आज भी, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और गांव अंदर आ गया है, गांव को जाने के लिए नाली है, बाकी इसका मेन रास्ता उधर से है गांव का। सभी खेतों में जो उन्होंने यही, किसी में दाल बो रखी है, किसी में राजमा है, किसी और आगे सरसों भी बो रखी है, वो भी दिखाएंगे आप सभी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से वो सब कुछ है जैविक पैदा करते हैं ये, ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। और ये इन्होंने सरसों भी लगा रखी है, और हल्दी भी है इसमें, मक्का है ये, ज्वार, ये सरसों है तो मक्का का फेड़ा वैसे ही हो गया, सरसों है मेन इसमें। हाँ, इसमें मैन जो है सरसों बोई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप इसमें किस तरीके से, मतलब को
मक्का के जो भुट्टे होते हैं ऊपर के कोन, ये इन्हें सुखाते हैं, इसलिए इसे कोन ऑफ विलेज कहा जाता है। सभी घरों में इनके ऐसे टंगे हुए हैं, गाँव में दिखाएंगे आपको, सबकी ज़्यादातर घरों में जो है यही टंगा हुआ है, 99% घर जो इसी से ही हैं। क्योंकि तो सभी जो मक्का की खेती करते हैं, छोटे छोटे किसान हैं, प्याज वगैरह की भी खेती करते हैं, और आप सभी को दिखाएंगे कि इनके यहाँ पे प्याज भी सूखी हुई है, इसी तरीके से प्याज सुखाते हैं। और इसमें पूरे में ये पार्किंग स्थल है इनका, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, इसमें भी यही लगा रखा है इन्होंने, पूरे में सुखा रखे हैं। पूरे में देख सकते हो आप कितने अच्छा सुंदर लगता है। और चलते हैं फिर इधर की तरफ भी, इन्होंने क्या कर रखा है, सारे में छोटे छोटे खेत बने हुए हैं। माल साहब हमारे साथ हैं, तोरी वगैरह अरवी वगैरह सब कुछ, कद्दू लगा हुआ है। कद्दू है, तोरी है, और ये अरवी भी लगी हुई है, सीढ़ीनुमा सारे खेत हैं इसी गाँव। तो किसान भाइयों आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से लकड़ी का घर है, और इसमें ये इन्होंने लगा रखे हैं, सुखा रखे हैं, पूरी अच्छी तरीके से सूख रहे हैं, ना ही इनसे बारिश का कोई दिक्कत होती है, क्योंकि ये सूखते रहते हैं लगातार, सभी घरों में लगे हुए हैं, और बीजते भी हैं और सूखते भी हैं। दोनों काम होते हैं इसके साथ। और फिर ये मक्का निकाल लेते हैं, इसे सेल करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा गांव, छोटा गांव है लेकिन सभी के घरों में ये सूखे हुए हैं। दर्शक भाइयों आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ किस तरीके से सूखा हुआ है, और देख लो पैरों से किस तरह से कर रही हैं ये, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं किस तरह से ये इसमें से निकाल रही हैं। ये है क्या जी, है क्या ये? सुंटेल, राजमा, अच्छा राजमा और सारा एक साथ मिले, सब सब मिले मिला सुंटेल के। क्या बता रहे हैं जी आप? दाल होती ना एक, अच्छा एक दाल होती है सुंटेल, सुंटेल। तो ये इस तरीके से निकलती है जी है? हाँ, तो ये गांव के पूर्व प्रधान हैं, तो इन्होंने भी जो बड़े अच्छी तरीके से, देख सकते हैं आप गेहूँ कितने सुंदर तरीके से सुखा रखे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है नीचे, और ये इनको निकाल रही हैं बहुत सुंदर। और ये देखिए सबसे पुराना घर है इस गांव का, ये सबसे पुराना घर है इस गांव का, और पूरा लकड़ी से बना हुआ है, 500-600 साल पुराना भी हो सकता है, इन्होंने ये कहा। और हमारे त्यागी जी बैठे हुए हैं, आज वीडियो बनाने आए हुए हैं सभी इस गांव में। माल साहब तो ये कितना पुराना होगा जी घर, घर कितना पुराना होगा ये जो लकड़ी का बना हुआ है? लगभग 100 साल पुराना। 100 से तो ज्यादा बता रहे हैं वो भी घर, ज्यादा हो गया, कह रहे हैं कि 500 साल पुराना भी हो सकता है ये लकड़ी का घर। अच्छा उधर और लकड़ी के घर और भी हैं ऐसे, यहाँ पे लकड़ी के घर और भी हैं ऐसे? अच्छा ये दो बचे हैं, अच्छा, बड़ी डिजाइनिंग करी गई है इस पे, और बनाए गए हैं आप देख सकते हैं, और लकड़ी अभी तक जो है इसकी ख़राब नहीं हुई है, और इसकी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और मैं आपको जिन्ना दिखा देता हूँ किस तरह के जिन्ने होते हैं, ये जिन्ना है इनका, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जिन्ना बना रखा है लकड़ी से, पूरा ही घर लकड़ी से बना हुआ है, पूरा ही मक्का से लदा हुआ है, तो इसीलिए इसको विलेज ऑफ कॉर्न कहा जाता है, हर घर में मक्का। तो दर्शक भाइयों हम आपको एक चीज़ और नई दिखाएंगे, तो आपने जो ये सुखा रखा है इधर, तो इसके बारे में आप जरा हमारे बताइए कि दर्शक भाइयों की क्या है ये, एक बार उसे उठा के दिखाइए जरा, ऐसी थोड़ा सा उठा लीजिए ये। झंगोरा बोलता हूँ घर के पास में, झंगोरा। अच्छा झंगोरा बोलते हैं जी इसको, है झंगोरा। तो इससे मतलब क्या होता है, इससे क्या काय में क्या चीज बनती है इससे? खाते भी है ना, खीर भी बनती है इनकी। अच्छा इससे घर में शराब बनाते ना, गणेश बोलते गाँव में जो शादी होती है ना, शादियों में। अच्छा शादियों में क्या बनाते हैं इससे? गणेशूर, गणेशूर बनाते हैं इससे, खिचड़ी विचड़ी वगैरह बनती है, बनाते हैं खीर भी बनाते हैं ना, खीर और बनती है, खीर बनती है। तो झंगोरा इसका नाम है, झंगोरा इसका नाम है। अच्छा इसका नाम झंगोरा रखा गया है, तो आपने इधर ये कूट के बनाया जाता है कैसे? कूट के। तो आप उसको एक बार और दिखाइए, आपने कूटा हुआ रखा हुआ है वो, उसे और दिखा दीजिए एक बार। तो ये इन्होंने कूट रखा है नहीं? अच्छा ये इसमें जो ऐसी का आपसे आटे में पिसवाओगे या इसकी क्या बनेगा? चक्की में पीसेंगे ना इसके,
तो बनाएगी। अच्छा ये चक्की में पीस जाएगा सारा, फिर इसकी खीर जब बनेगी। घर का भाषा में बोलते ना। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं ये नई चीज मिली है यहाँ पर देखने के लिए, झंगोरा घंगोरा है घंगोरा झंगोरा। हाँ तो झंगोरा आपको कैसा लगा ये बताना दर्शक भाइयों जरूर। तो आगे बढ़ते हैं, इस घर में भी सामने मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये लकड़ी का जीना और कोन लगे हुए हैं चारों तरफ। ये हर घर में बड़े तरीके से टांग रखे हैं, आप सभी भाई देख सकते हैं कितना तरीका है इनका टांगने का। तो किसान, यहाँ के किसान आपको दिखा रहे हैं हम कि उत्तराखंड में किस तरीके से किसान होते हैं। और ये जो है भुट्टा जो निकालते हैं, दाने निकालने की मशीन भी है इनके पास, इस पर सरकार ने यहाँ सब्सिडी भी देती है। एक लकड़ी का घर ये है इधर जो इन्होंने बताया। और हमारे किसान भाई देख सकते हैं कि हमारे यहाँ तो प्लान में खेती होती है। और इधर देखिए आप, सब अलग अलग तरीके से एकदम पेड़ लगाए गए हैं, अखरोट के पेड़ भी हैं। और सामने बिल्कुल पहाड़ का दृश्य है, एकदम सुंदर, काफ़ी सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य। तो दर्शक भाइयों, आपको एक गांव कैसा लगा जो इन्हें विलेज ऑफ कौन है, और तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि हम आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो दर्शक भाइयों सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और नमस्कार।